लोग अपने पितरों को भोजन करवाने के लिए कौओं की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन कौए हैं कि नजर ही नहीं आ रहे। लेकिन जोधपुर में एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसके घर पर रोज सुबह बड़ी संख्या में कौए बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। क्या है कहानी, ये देखिए। और उधर केसरी नगर के प्रवीण कुमार पवार पिछले कई सालों से कौओं को भोजन करा रहे हैं। श्राद्ध पक्ष से शुरुआत कब आदत में बदल गई, इन्हें खुद नहीं पता। प्रवीण कुमार का नित नियम है सुबह 5:30 बजे उठते ही कौओं के लिए भोजन तैयार करना, और इसके बाद बारी बारी से थाली सजाकर उन्हें पर रख दी जाती है। वही कौए भी प्रवीण कुमार के घर के बाहर जुट जाते हैं और अपनी आवाज से उन्हें बुलाना शुरू कर देते हैं। पवार का कहना है कि इन दिनों 100-125 कौए आते हैं, सर्दियों में इनकी संख्या बढ़कर 250 हो जाती है। और कभी सर्दियों में और ज्यादा बढ़ जाते हैं, 250 हो जाते हैं करीब। हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष में कौओं का विशेष महत्व है। प्रत्येक श्राद्ध के दौरान पितरों को खाना खिलाने के तौर पर सबसे पहले कौओं को खाना खिलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि कौओं को खाना खिलाने से पितरों को खाना मिलता है। यही कारण है कि श्राद्ध के अवसर पर पंडित को भोजन कराने से पहले एक थाली को सजा कर कौओं के लिए रखा जाता है। ये जो कौए सो आते हैं श्राद्ध में, जो आते हैं, ऐसी मान्यता है कि इनको खिलाने से पितरों को, जो अपने पितर होते हैं, उनको मतलब शांति प्राप्त होती है। बिगड़ रहे पर्यावरण की मार कौओं पर भी पड़ रही है। हालात ये है कि श्राद्ध पक्ष में लोगों को अनुष्ठान पूरा करने के लिए भी कौए तलाशने पर भी नहीं मिल रहे। भवानी भाटी, जी मीडिया, जो